क्वारंटीन में रखे जा रहे लोगों से कोरोना बीमारी फैलने की अफवाह पर कटिहार के एक गांव में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। सेंटर बने स्कूल के टीचर को ही बंधक बना लिया। ये मामला मुफसिल थाना क्षेत्र के सरदाही उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। दरअसल किसी ने अफवाह फैला दी कि क्वारंटीन सेंटर गांव के बीच होने से बीमारी फैल सकती है। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विद्यालय के शिक्षक राजीव रंजन को बंधक बना लिया। जब प्रशासन तक ये बात पहुंची तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। हल्के बल प्रयोग के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को हटाया और शिक्षक को छुड़ाया, जिसके बाद मुफसिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रूप में उसको जगह को चिन्हित किया गया था, उसी के क्रम में मास्टर गए थे तो वहाँ के ग्रामीण लोग जाए विरोध करके उनको रूम में बंद कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ के थाना अध्यक्ष मुफसिल थाना में पड़ता है, वहाँ के वहाँ गए तो उनके साथ भी मतलब बदतमीजी किया, मारपीट नहीं या बदतमीजी किया, तो अलग अलग दो केस किया गया। एक मास्टर साहब को बंद किया गया, उसका मास्टर साहब के लिखित आवेदन पर गया है और थाना अध्यक्ष स्वयं जो है वो किए हैं केस। इसमें 4 नामजद किए हैं, 50-60 अज्ञात किए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 30 हो गई है। गुरुवार को राज्य से 6 नए मामले सामने आए हैं। इनमें गोपालगंज और गया से 2-2 और सिवान छपरा से 1-1 मरीज शामिल है। कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट।